Assalamualaikum everyone, this is your spoken English teacher Muhammad Qasim. Welcome back on Vocabinear. In this lesson, we are going to learn 120 English Urdu and Hindi sentences. ये sentences आपकी daily life speaking में आपको help करने वाले हैं. इस lesson का PDF download करने के लिए link description में add कर दिया गया है. You can download PDF there. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेसन्स पर वक्त मिलते रहें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप महसूस कर सकते हैं, यू कैन फील। आप चल सकते हैं, यू कैन वॉक। इंतजार करो और देखो, वेट एंड वॉच। आप छू सकते हैं, यू कैन टच। आप बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक। अब यहां पे बार बार कैन का इस्तेमाल आ रहा है तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैन को हम एबिलिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ करने की सलाहियत है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, जैसे आई कैन वॉक, ओके, मैं चल सकता हूं, तो इसको हम एबिलिटी के तौर पे यूज करते हैं, सलाहियत के तौर पे यूज करते हैं। मेरा यही ख्याल है, I think so. अच्छी तरह सो, sleep well. यहां आओ, come here. अपना घर साफ रखो, keep clean your home. मुझे तनहा छोड़ दो, leave me alone. मेरा ये ख्याल नहीं है, I don't think so. अच्छी तरह खाओ, eat well. वहां जाओ, go there. ये तुम्हारा मसला है, it is your problem. क्या आप मेरे साथ एक नेकी करेंगे? Will you do a favor to me? क्या मसला है? What is problem? मुझे कोई खौफ नहीं, I have no fear. कोई मसला नहीं, No problem. मसला खड़ा ना करो, Don't create problem. आप बहुत अच्छे हैं, So nice of you. मेरे बारे में फिक्र ना करें, Don't worry about me. इंतजार करो और देखो, Wait and see. घर पर ठहरो, Stay at home. मुझे डर नहीं लगता, I don't fear. यहां आओ, Come here. ये मेरा मसला नहीं है, It is not my problem. तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? How did you dare to say? इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, How dare to say? हरकत मत करो, Don't move. दोबारा कहो, Say again.
Say again. जोर से कहो. Say aloud. Say aloud. नाराज ना हो. नाराज मत हो. Don't mind. Don't mind. मैं नहीं जानता. I don't know. I don't know. कोई जरूरत नहीं. No need. No need. मेरा वक्त मत पर तो बर्बाद करो. Don't waste my time. Don't waste my time. मुझे परवाह नहीं. I don't care. I don't care. वो काबिल-ए-एतमाद शख्स है. He is a truthful man. He is a truthful man. वो शादीशुदा है. He is married. He is married. खैर शादीशुदा कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे He is unmarried. He is unmarried. मैं नहीं पूछता. I don't ask. I don't ask. आपकी मदद का शुक्रिया. Thanks for your help. Thanks for your help. अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो उसके बदले में आप कहते हैं Thanks for your help या Thanks for helping me. तुम सुस्त हो. You are lazy. You are lazy. ये काफी है. It is enough. It is enough. ये अहम है. It is important. It is important. वो तुम्हारा वक्त था. That was your time. That was your time. ये मुनासिब वक्त है. It is high time. It is high time. एक काम को सही करने का जो वक्त होता है प्रॉपर टाइम जिसे हम कहते हैं उसको हम कहते हैं हाई टाइम. ये मुनासिब वक्त है. इट इज हाई टाइम. अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो. कैच मी इफ यू कैन. कैच मी इफ यू कैन. प्लीज मेरी मदद करो. प्लीज हेल्प मी. अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कहते हैं प्लीज हेल्प मी. बहुत हो गया. एनफ इज एनफ. जब आप एक चीज से बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं तो आप कहते हैं एनफ इज एनफ. मजीद नहीं प्लीज. नो मोर प्लीज. आपको कोई चीज और नहीं चाहिए तो आप कहते हैं नो मोर प्लीज. ओह मेरे खुदाया. ओह माय गॉड. ओह माय गॉड. किसी चीज की जब हम हैरानी के तौर पर किसी चीज को देखते हैं हैरान होते हैं तो कहते हैं ओह माय गॉड. मैं महफूज हूं. आई एम सेफ. आई एम सेफ. मुंह संभाल कर बात करो. माइंड योर लैंग्वेज. माइंड योर लैंग्वेज. मैं परेशान हूं. आई एम वरीड. आई एम वरीड. मुझे उम्मीद है. आई होप. आई होप. मुझे ऐसे ही उम्मीद है. आई होप सो. आई होप सो. मैं आपको याद रखूंगा. आई विल रिमेंबर यू. आई विल रिमेंबर यू. हाँ मैं तैयार हूँ. यस आई एम रेडी. यस आई एम रेडी. क्या आप तैयार हैं. आर यू रेडी. आर यू रेडी. आप अगर किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप तैयार हैं. आर यू रेडी. मेरे पास पासपोर्ट है. मेरे पास पासपोर्ट है. आई हैव माई पासपोर्ट. आई हैव माई पासपोर्ट. और कुछ मजीद कोई नई चीज. एनीथिंग एल्स. एनीथिंग एल्स. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. वट कैन आई डू फॉर यू. वट कैन आई डू फॉर यू. मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ. शो मी योर पासपोर्ट. शो मी योर पासपोर्ट. कोई सवाल. एनी क्वेश्चन. एनी क्वेश्चन. वो पढ़ाने के लिए तैयार है. She is ready to teach. She is ready to teach. हम सब तैयार हैं. We all are ready. We all are ready. तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है. Where is your passport? Where is your passport? I don't care.
मुझे कोई परवाह नहीं है। आई डोंट केयर। तो क्या हुआ? सो वट? सो वट? क्या मसला है? वट डज इट मैटर? वट डज इट मैटर? इससे क्या फर्क पड़ता है? वट डिफरेंट? वट डिफरेंस डज इट मेक? वट डिफरेंस डज इट मेक? माफ करना, सॉरी, सॉरी। ईद मुबारक। हैप्पी ईद डे, हैप्पी ईद डे। सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मुझे अपना तारुफ कराने दीजिए। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। किसे परवाह है? हु केयर्स, हु केयर्स। तुम ऐसा ही करोगे। यू विल डू सो, यू विल डू सो। नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। कितना प्यारा, व्हाट अ लवली, व्हाट अ लवली। तुमने क्या तोड़ा? व्हाट डिड यू ब्रेक, व्हाट डिड यू ब्रेक। कितने दुख की बात है, व्हाट अ फाइटिंग, व्हाट अ फाइटिंग। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। क्या टूटा, व्हाट ब्रेक, व्हाट ब्रेक। बेहतरीन, एक्सलेंट, एक्सलेंट। मुझे इससे वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है। I'm not interested. I'm not really interested. मुझे इसके लिए अफसोस है। I am very sorry for that. I am very sorry for that. मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। I am so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. अगर आप कोई किसी के बारे में बुरी खबर सुनते हैं तब ये यूज करेंगे। I am very sorry for that. Yeah, I'm so sorry to hear that. Haratangez. How awful, awful, how awful. Kitna khaufnaak. How terrible, how terrible. Agar koi cheez aap dekhte hain, bahut hi dara dene wali, bahut hi khaufnaak cheez hai, tab hum use karte hain how terrible. Jaise agar aap kahin pe ja rahe ho raste mein, to एक खौफनाक एक्सीडेंट देखते हैं तब ये यूज करेंगे हाउ टेरिबल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरी ख्वाहिश थी मैं कर सकता लेकिन। आई विश आई कुड बट, आई विश आई कुड बट। मैं नहीं कर सकता, मुझे खदशा है। आई कांट, आई एम अफ्रेड। आई कांट, I'm afraid. उसने कोशिश की। He tried to. He tried to. इसके आगे आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे he tried to climb. उसने चढ़ने की कोशिश की। He tried to run. उसने दौड़ने की कोशिश की। He tried to jump. उसने जंप लगाने की कोशिश की। यहाँ पे आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। ये बिल्कुल मुमकिन है। इट्स क्वाइट पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल। अबूर करके, बाय क्रॉसिंग, साथ दौड़ते हुए। बाय रनिंग, बाय रनिंग। ठीक, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। जैसे हम कहते हैं अगर किसी की बात सुनते हैं तो हम कहते हैं एग्जैक्टली। इसका मतलब है बिल्कुल ऐसे ही बात है। आई एम लुकिंग फॉर,
मैं तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर, अगर किसी जगह की आप तलाश कर रहे हैं तब ये यूज करते हैं। आई एम लुकिंग फॉर कॉलेज, मैं कॉलेज तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर बैंक, मैंने टेलीफोन कर दिया। आई हैव टेलीफोन्ड, आई हैव टेलीफोन्ड। मुझे अफसोस है मैं नहीं कर सकता। आई एम अफ्रेड आई कांट, आई एम अफ्रेड आई कांट। ये हम तब यूज करते हैं जब हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा और हम उसके बदले में कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास में ये नहीं है। आई एम अफ्रेड आई कांट। अगर मैं आया तो मैं आपको मिलूंगा। इफ आई कम आई शैल सी यू, आपको मिलूंगा। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए आपको। इफ आई कम आई शैल सी यू, अगर मैं आया तो आपको मिलूंगा। चढ़कर बाय क्लाइमिंग, बाय क्लाइमिंग। ओ छोड़ो भी, ओ कम ऑन, ओ कम ऑन। अहमकाना, नॉनसेंस, नॉनसेंस। ऑलराइट एवरीवन, अगर आपको ये सेंटेंसेस पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये सेंटेंसेस कैसे लगे हैं। और अगर आप भी कोई सेंटेंस हमसे ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो कमेंट में हमें सेंटेंस बताएं और आपको हम उसकी ट्रांसलेशन बताएंगे। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त लेसन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।